हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट बॉड फंड्स के साथ नेक्स्ट बॉड फंड आ जाता है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स कमर्शियल बैंक्स की बात की तो जनरली जब भी बिजनेस फार्म्स को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहला सोर्स कौन सा आता है माइंड में बैंक्स पैसा लेना है लोन लेना है तो कहाँ से रेस किया जाए बैंक से रेस किया जाए बैंक से ले लिया जाए क्योंकि बैंक से जल्दी और इजी टर्म्स में आपको लोन्स मिल जाता है तो आज हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक से लोन कैसे लिया जाता है उसके मेरिट्स क्या है क्या क्या डिमेरिट्स है सबसे पहले अब हम जानेंगे कमर्शियल बैंक होते क्या सबसे पहले जानते हैं कमर्शियल बैंक क्या होते हैं कमर्शियल बैंक कैन बी डिफाइंड एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्मस दस ऑफ कमर्शियल बैंक क्या होते हैं ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं सबसे पहले आ जाता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट सबसे पहला काम क्या होता है कमर्शियल बैंक का पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करना एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करना नेक्स्ट क्या आता है ग्रांटिंग लोन्स जो भी पैसा पब्लिक से वो एक्सेप्ट करती है उन्हीं पैसों को इन द फॉर्म ऑफ लोन पब्लिक को प्रोवाइड करती है या बिजनेस फॉर्म्स जब भी बैंक्स को अप्रोच करते हैं बैंक्स के पास पैसा कहाँ से आता है हम लोग ही बैंक को पैसा प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट आता है मेकिंग इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट फंक्शन बैंक क्या परफॉर्म करती है इन्वेस्टमेंट करती है इन्वेस्टमेंट जो पैसा हम लोग बैंक्स को डिपॉजिट कराते हैं उन्हीं पैसों को फर्दर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है और वहां से प्रॉफिट्स करती प्रॉफिट जो भी फंक्शन बैंक परफॉर्म करता है किस लिए करता है फॉर पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स अब इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आ जाते हैं? जैसे एसबीआईनबी कैनरा बैंक एक्सेट्रा और भी बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स है जो इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट जान लेते हैं लोन फ्रॉम कमर्शियल कमर्शियल बैंक्स बैंक्स के बारे में थोड़ा सा प्रोवाइड शॉर्ट टर्म टर्म मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप बैंक से लोन ले सकते हो नेक्स्ट आता है फॉर्म ऑफ अब किस किस फॉर्म में बैंक आपको पैसा प्रोवाइड करती है सबसे पहला कैश क्रेडिट कैश क्रेडिट उधार मिल जाता है, है हाँ पर, आपको बिल्स डिस्काउंटिंग करता है आपके बिहाफ पर टर्म लोन्स आपको प्रोवाइड करता है और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ है एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है जो बैंक्स आपको प्रोवाइड करते है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स नेक्स्ट द बोरोअर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सम सिक्योरिटी और क्रिएटेड चार्ज ऑन द द एसेट्स ऑफ फर्म अगर बैंक से पैसा आपको रेज करना है तो उस केस में आपको बैंक को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा या बिजनेस

नेक्स्ट बात करते हैं मेरिट्स की कमर्शियल बैंक से कौन कौन से मेरिट्स आ जाते हैं सबसे पहले इकोनॉमिकल दिस इज अ चीपेस्ट सोर्स अब आप बोलोगे चीपेस्ट सोर्स कैसे है जनरली आप अगर ऑनर्स फंड्स की बात करें ऑनस्ट फंड से अगर पैसा रेस करने जाए शेयर्स इशू करने जाए तो कहीं ना कहीं आपको फ्लोटेशन कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है दैट मीन्स आपको अंडर राइटर्स को हायर करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी प्रॉस्पेक्टस इशू करने पड़ेगे यहाँ पर ऐसा कोई खर्चा नहीं आता डायरेक्टली आप सिर्फ क्या करते हो बैंक्स को इंटरेस्ट पे करते हो तो इट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज इट डज़ नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेलिटीज़ लाइक यहाँ पर कोई फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी नहीं पड़ती आपको अंडर राइटिंग इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस या एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ता आपको नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट आ जाता है सीक्रेसी सीक्रेसी मतलब सीक्रेट रखना जो भी इंफॉर्मेशन आप बैंक्स को प्रोवाइड करोगे बैंक्स कभी भी उस इंफॉर्मेशन को किसी को डिसक्लोज नहीं करता दैट जो भी आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन होगी उसे सीक्रेट रखा जाएगा जब तक आप नहीं बोलोगे डिस्कलोज करने के लिए तो कीप द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द बोरोअर कॉन्फिडेंशियल दैट मीन्स सीक्रेट रखता है और द बिजनेस मेंटेन सीक्रेसी जो भी आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन है उसको सीक्रेट रखा जाएगा डिस्कलोज नहीं किया जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं इमीली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जब भी आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है जितने भी पैसों की रिक्वायरमेंट है बैंक्स आपको अरेंज करके देता है तो बैंक्स प्रोवाइड्स फंड्स टू कंपनीज एज एंड व्हेन नीडेड जब पैसों की जरूरत होगी तब बैंक्स आपको पैसे प्रोवाइड करता है नेक्स्ट मेरिट्स देख लेते हैं नेक्स्ट मेरिट कौन सा आ जाता है नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस फ्लेक्सिबल सोर्स कैसे है जब आपको पैसों की जरूरत होती है तब मिल जाते हैं और जब आपको रीपे करना है उसे या लोन को एक्सटेंड कराना है तो ईजिली आप एक्सटेंड भी करा सकते हो तो इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस एज द लोन अमाउंट कैन बी इंक्रीज आप लोन अमाउंट को इंक्रीज भी करा सकते हो और रीपे भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस जैसे जैसे आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स होगी उसके अकॉर्डिंग आप लोन को रीपे भी कर सकते हो और एक्सटेंड भी करा सकते हो नेक्स्ट बात करते हैं कंसेशनल रेट्स पर समटाइम्स ऐसा होता है छोटे छोटे बिज़नेस यूनिट्स होते हैं जो इंटरेस्ट रेट नहीं पे कर सकते हायर इंटरेस्ट रेट्स को तो उस केस में आर बी बनाती है और उन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को चीपेस्ट रेट्स पर भी लोन दिया जाता है तो कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड क्रेडिट टू स्मॉल यूनिट्स एट कंसेशनल रेट्स कंसेशनल रेट्स पर छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं उनको लोन दिया जाता है अंडर द स्पेशल स्कीम्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब जो भी स्कीम्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बनाएगा उसके अकॉर्डिंग स्मॉल यूनिट्स को लोन दिया जाएगा नेक्स्ट देख लेते हैं डिमेरिट्स डिमेरिट्स में फर्स्ट आ जाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जनरली जो बैंक से आपको लोन देता तो है बट शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है दैट इज़ यूजली अवेलेबल फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सटेंशन और रिन्यूअल ऑफ लोन इज अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट अगर आप एक्सटेंड करवाना चाहते हो या लोन को रिन्यू कराना चाहते हो तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है बहुत सारे चक्कर कटवाए जाते हैं आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है उसके बाद जाकर कहीं आपको लोन को आपके लोन को एक्सटेंड किया जाता है रिन्यू किया जाता है नेक्स्ट इज डिफिकल्ट प्रोसीज़र बैंक से लोन लेना कोई इजी प्रोसीजर नहीं है

नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस समटाइम्स अब बैंक आपको पैसा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसे डर होगा कि आप उसके पैसों को वापस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस बैंक आपके ऊपर लगा देता है किस टाइप के रिस्ट्रिक्शन लगाता है जैसे जो भी सिक्योरिटी आपने गिरवी रखी है मोटगेज की है तो उसको आप विदाउट द परमिशन ऑफ बैंक सेल नहीं कर सकते जैसे कि इन सम केसेस बैंक्स में पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन से द सेल ऑफ मोटगेज गुड्स कॉजिंग डिफिकल्टी इन फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस जब तक आप बैंक्स के पैसों के रिपेमेंट नहीं करोगे तो बैंक डिफरेंट टाइप्स के क्लॉजेस डिफरेंट टाइप्स के रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा आपके ऊपर और विदाउट द परमिशन ऑफ बैंक आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते नेक्स्ट इज फिक्स ऑब्लिगेशन अब बैंक से लोन लेना क्या फिक्स ऑब्लिगेशन है क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा एक बार लोन ले दैट मीन्स इंटरेस्ट इज अ फिक्स ऑब्लिगेशन आपको प्रॉफिट्स होते हैं नहीं होते बिजनेस लॉसेस में चल रहा है इनएडिक्वेट प्रॉफिट चल रहे हैं दैट डजेंट मैटर बैंक्स को उससे कुछ लेना देना नहीं है आपको बैंक्स के इंटरेस्ट को रीपे करना ही पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन बैंक इज अ फिक्स चार्ज अगेंस्ट कंपनीज अ कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट इवन इन केस ऑफ इन एडिक्वेट प्रॉफिट्स चाहे प्रॉफिट्स है चाहे नहीं है चाहे आप कम प्रॉफिट्स कमा रहे हो चाहे लॉसेज में जा रहे हो स्टिल आपको बैंक के इंटरेस्ट की प्रिंसिपल की रीपेमेंट करनी ही पड़ेगी तो दीज आर द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक होप आपको अच्छे से समझ में आया मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बॉर्ड के फंड्स के साथ थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर